हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पे। और दोस्तों, आज के इस क्विक एपिसोड में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि OBS के अंदर आप बार लाइंस कैसे ला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बार लाइंस वो होती हैं कि द मोमेंट आई स्पीक, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे जो है ना हमारी ऑडियो नज़र भी आने लगे, जिसको हम बार्स बोलते हैं। तो ये वाला चीज़ कैसे क्रिएट होता है वो आज आप इस ट्यूटोरियल के एंड तक समझ जाएंगे। अगर अभी भी नहीं समझे आप, तो मैं आपको दिखाता हूँ मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इस बारे में, अगर आप देखेंगे कि हम OBS के अंदर हैं और ये जो नीचे मैंने बार एक क्रिएट किया है रेड कलर का, जैसे ही मैं बोलता हूँ वो वैसे ही वो बार हिलने लग जाता है, बिल्कुल मेरे बोलने के हिसाब से। द मोमेंट आई मेक अ नॉइज़, वो बार हमारी वॉइस पे एक्ट कर रहा है। और ये चीज़ आप लाइव स्ट्रीम में भी दे सकते हैं व्हेन यू आर गेमिंग, और गेमिंग में ये आपके हाथ में कंट्रोल होगा कि आप कौन सी ऑडियो को जो है इसके साथ मैच करना चाहेंगे। अगर आप गेमिंग की साउंड को, यानी कि अगर आप पबजी खेल रहे हैं तो कोई फायर करेगा, गोली चलाएगा, तब ये एक्ट करेगी या आपके बोलने पे एक्ट करेगी, ये आप कर सकते हैं। तो जनरली लोग जो भी आप लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं उसके अंदर अगर आप ये रखेंगे, इट लुक्स कूल। अलग अलग इसके डिज़ाइंस भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और इसको करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आप इस टाइम हम OBS में हैं तो OBS में आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ, नीचे सोर्सेज में यहाँ पर एक ऑडियो विजुअलाइजर का ऑप्शन है। अगर मैं प्लस का बटन दबाऊं तो यहाँ पे आपको शो होगा, देखिए ऑडियो विजुअलाइजर, ये वाला जो ऑप्शन है। अगर आप अभी के भी अपना OBS चेक करेंगे, अगर उसके अंदर है तो आप कुछ पार्ट स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके इसमें ये चीज़ नहीं आ रहा है तो वो कैसे डाउनलोड होगा, उसके लिए मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप जाएंगे, उधर से इसको आपको डाउनलोड करना है। कैसे डाउनलोड करना है वो आपको इस वाले इंट्रो के बाद आपको मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया दोस्तों, उस पर क्लिक करेंगे आप तो आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। इधर पहुँचेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे पार्ट पे ये वाला जो लिखा हुआ है, स्पेक्ट्रलाइज आई विन फॉर जिप 64 जिप, ये जिप फोल्डर है, आपको इसको जो है डाउनलोड कर लेना है अपने जहाँ पे भी डेस्कटॉप पे या कोई भी प्लेस है, प्लीज़ मेक श्योर वो आपको पता हो कि कहाँ डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड करने के बाद आपको ये देखिएगा, मैं नीचे यहीं से ओपन करूँगा उसी फोल्डर को जहाँ पे ये जिप फोल्डर है। तो ये जिप फोल्डर हमने यहाँ ओपन कर लिया। इस जिप फोल्डर को हम क्या करेंगे, इस जिप फोल्डर को हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। इसके अंदर हमें जो चीज़ें नज़र आएंगी वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये देखिएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये देखिएगा, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया, और एक्सट्रैक्ट कर देने के बाद ये वाला फोल्डर यहाँ पर आ गया। इस फोल्डर के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको डबल क्लिक करिएगा, और ये देखिएगा यहाँ पर प्लगइन्स लिखे आ रहे हैं। इस प्लगइन पे आपको डबल क्लिक करना है, और ये दो फोल्डर्स जो नज़र आ रहे हैं जिसमें लिखा हुआ OBS प्लगइन्स और ये डेटा, इन दोनों को आपको कॉपी करना है। कॉपी कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको जाना है अपनी सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव में ओपन करेंगे प्रोग्राम फाइल्स। प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको सर्च करना है, जो मैं यहाँ पर सर्च करूँगा, विच इज़ OBS स्टूडियो। ये देखिएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे OBS स्टूडियो पे, और यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। जो दोनों फोल्डर्स मैंने कॉपी किए थे वो यहाँ पे इस तरह की ऑप्शन आएगी, यहाँ पर आप कंटिन्यू या फिर स्किप जो है दबा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंटिन्यू मैं यहाँ पर दबा देता हूँ, और बार बार इस तरह की ऑप्शन आएगी तो आप डू दिस फॉर और जो ऑप्शन आ रही है यहाँ पे ऊपर, ये आपको दिखाता हूँ, ये वाली जो ऑप्शन आ रही है डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स, इस पर कंटिन्यू कर दीजिए, अभी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको क्लोज कर देते हैं, और अब फिर दोबारा से OBS ओपन करते हैं। सो अब OBS, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे आप प्लस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास आएगी ऑडियो विजुअलाइजर की, जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके सामने आ जाएगी, ऑडियो विजुअलाइजर। ओके ओके करेंगे तो ये वाला विंडो आप देख रहे हैं अपने सामने, मैं इसको अपने आपको इधर रख लेता हूँ थोड़ा। तो ये ऑडियो विजुअलाइजर का ऑप्शन आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हैं, ऑडियो सोर्स, यहाँ पे आपको बताना है सॉफ्टवेयर को कि कौन सी जो ऑडियो है वो पिक करे और किस ऑडियो के ऊपर वो डांस करेगा। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम ऑडियो सोर्स सिलेक्ट करते हैं, मेरा ऑडियो सोर्स ये है ऑडियो इनपुट कैप्चर विच इज़ दिस माइक, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। एंड इफ यू सी राइट हियर, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे वो बार्स जो है एक्ट कर रहे हैं। यस एग्जैक्टली, व्हेन आई स्पीक ये बार्स ऐसे हिलने लगेंगे। स्टार्टिंग में बार्स डिफरेंट थे, वो कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, अगर मैं एक बार के लिए इसको ओके कर दूँ तो यहाँ पे देखिएगा ऑडियो विजुअलाइजर इस साइड पे आ गया। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। सो दिस इज़ हाउ दिस विल लुक लाइक। अब इसको मैं कहीं पे भी प्लेसमेंट कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन मेरी स्ट्रीम कैसी है, स्ट्रीम के अकॉर्डिंगली मैं इसको आप प्लेस कर सकते हैं। डिज़ाइन करने के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। अब सेकंड चीज़, अब इसके अंदर और हम चीज़ें
क्रिस्पी और बढ़िया कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिएगा यहाँ पे नीचे ऑडियो विजुलाइजर पे वापस हम डबल क्लिक करेंगे और इसकी ये प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं, ठीक है। अब इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं बार विड्थ 5 pixels लिखी हुई है, तो विड्थ को अगर हम कम कर देते हैं तो आप देखिएगा ये जो बार्स हैं और पतले हो जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसको अभी 5 रख लेते हैं, विच इज़ लुकिंग लाइक डिसेंट। सेकेंड चीज़ बार हाइट, अभी बार हाइट 100 pixels तक जा रही है, यानी कि हाइट इसकी, इसको भी अगर मैं इंक्रीज़ करूँ, मान लीजिए अभी आपके सामने इसको 200 कर देता हूँ, तो बार की जो हाइट है वो उतने ही स्पेस में ऊंची हो गई है। तो ये भी अच्छी लग रही है देखने में, बट अभी हम जो बाय डिफ़ॉल्ट 100 थी उसी पे स्टिक करते हैं ताकि आपको और बेहतरीन चीज़ें नज़र आएँ। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं, फटाफट से बता देता हूँ, बार स्पेसिंग, बार स्पेसिंग 2 pixels है, इसको मैं कम करता हूँ तो आप देखिएगा बार्स काफ़ी पास पास आ गए हैं, 0 कर देता हूँ तो बार्स बिल्कुल, उनकी स्पेसिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, देख रहे हैं आप। तो इस तरह से जो है यहाँ पे बार स्पेसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 2 pixels रखते हैं, इट इज़ लुकिंग गुड। और थोड़ा सा नीचे आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पे ग्रेविटी और फॉल ऑफ, ग्रेविटी का मीनिंग ये है कि अभी जो ये चीज़ बार बाउंस कर रही है वो बहुत सिंपल तरीके से कर रही है, अगर मैं ग्रेविटी को बहुत कम कर दूं तो आप देखेंगे कि अब बार जो है वो बहुत ही सेंसिटिव और इनफैक्ट मेरे हल्का सा बोलने पे कितनी तेज़ी से रिएक्ट हो रहा है। तो बार यहाँ पे जो ये ग्रेविटी है इसको 0.080 पे रख लेते हैं, 0.80 जिस पे बाय डिफ़ॉल्ट था, विच इज़ लुकिंग डिसेंट। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे कर सकते हैं, मैं तो जस्ट आपको चीज़ें बता रहा हूँ, वीडियो लंबी नहीं करना चाह रहा हूँ, बट मैं ओनली थिंग इज़ कि ये आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसा कि वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा था कि वहाँ पे इस तरह का बार नहीं था, एक लाइन थी जिसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ चल रही थी, उसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ स्टीरियो। जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में मैंने इस तरह का बार रखा था। अपार्ट फ्रॉम दिस जो बार है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, वो यहाँ पे देखिए ऊपर कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यू कैन चूज़ नंबर ऑफ कलर, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इधर तो यू कैन चूज़ नंबर ऑफ कलर्स फ्रॉम हेयर, तो आप जो सा कलर रखना चाहें रख सकते हैं, इसको भी ओके कर लेते हैं और इसको भी ओके कर लेते हैं। सो नाउ अभी जो हमने बनाया है अपने लिए ये ऑडियो बार, वो आप देख पा रहे हैं नीचे, इट इज़ एक्टिंग एज पर माई ऑडियो, इसको अकॉर्डिंगली मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, अकॉर्डिंगली विद इन स्ट्रीम्स मैं अपने अभी इस ओवरले के ऊपर तो इसको नहीं रख पाऊंगा, लेकिन अगर आप इसको ओवरले के ऊपर रखना चाहें तो ऊपर भी रख सकते हैं विद अ डिफरेंट कलर। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डू दिस, और ये वाला जो चीज़ है आप अपने लाइव स्ट्रीम में लगा सकते हैं, सो दैट योर लाइव स्ट्रीम लुक मोर अमेजिंग। सो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।